बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो अभी हाल ही में कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है यानी कि OMR सीट पर होना है उनके लिए प्रश्न पत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और जो कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा। ये जो मैं प्रश्न पत्र सॉल्व करा रहा हूँ इसका जो बुकलेट नंबर है वो D है। आप सभी लोग अपना पेपर क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़ोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों जो सेकंड सेमेस्टर में आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इस प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन दिए गए थे जिनमें से 75 प्रश्न ही आप लोग को हल करने थे। प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं और किस प्रकार के प्रश्न इस बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपकी यूनिट 5 से पूछा गया है। फॉर ए क्यूबिक सिस्टम व्हिच इज ए करेक्ट कंडीशन, एक क्रिस्टलीय निकाय के लिए इनमें से सही संबंध बताना है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है कि ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी और बी दिया गया है ए इज नॉट इक्वल टू बी और बी इज नॉट इक्वल टू सी। ऑप्शन सी दिया गया है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और डी दिया गया है अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इज जस्ट नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर क्यूबिक सिस्टम पूछा गया है तो क्यूबिक सिस्टम के लिए क्या होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होता है, गामा इक्वल टू यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन यहाँ पर सी दिख रहा है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ सिमेट्री पूछा गया है, सममित नियम पूछा गया है इसमें से। तो सममित का पहला दिया गया है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। दोस्तों जो लॉ ऑफ सिमेट्री है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। ये सभी क्या हैं? ये लॉ ऑफ सिमेट्री के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दें आप सभी लोग। देखिए पूछा गया है आपसे कि NaCl, KCl और CaCl आर द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर पूछा गया है कि किसके एग्जाम्पल हैं। ये ऑर्थोहोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम या ट्राइक्लिनिक सिस्टम या टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। दोस्तों जो NaCl, KCl और CaCl हैं ये उदाहरण किसके हैं? ये उदाहरण है दोस्तों क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में मैंने आप लोग को बताया है कि ये होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है और अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इसमें जो प्लेन अगर आप यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी तो यहाँ पर 9 होगी और एक्सिस ऑफ सिमेट्री की संख्या यहाँ पर कितनी होगी तो 13 होगी। अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर NaCl, KCl और CaCl के साथ साथ डायमंड भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये कौन सी, ये किसका उदाहरण है? तो ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का उदाहरण है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा प्रश्न पूछा गया है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस प्रोसेस क्रिस्टलीय पदार्थ में होता है। यहाँ पर दिया गया सर्प मेल्टिंग पॉइंट अरेंजेड इन द रेगुलर मैनर, ऑप्शन सी दिया गया है डिफाइनाइट ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि यदि ठोस की एक जो ठोस होता है उसकी क्या होती है एक निश्चित ज्योमेट्रिक आकृति होती है उससे क्या कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस उसी को कहते हैं। और जिसकी जो ज्यामिति है वो अनिश्चित होती है उसे क्या कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा क्रिस्टलीय पदार्थ में क्या होता है तीक्ष्ण गलनांक भी होता है, यहाँ पर रेगुलर ज्योमेट्री भी होती है, सर्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर बात करें क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के एग्जाम्पल की, क्रिस्टलाइन इसमें से पूछ लिया जाए कि आपसे पूछ लिया जाए एक प्रश्न में कि क्रिस्टलीय पदार्थों में पदार्थों का एग्जाम्पल आप बताइए कि कौन कौन से होते हैं। तो NaCl ध्यान रखिएगा, KCl और यूरिया ये सब क्या हैं,
ये सब आते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ के अंतर्गत। अगर बात करें अक्रिस्टलीय के, तो अक्रिस्टलीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अमॉर्फस, यहाँ पर दिया गया है कि अक्रिस्टलीय ठोस माना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया ट्रू सॉलिड, तो ये क्या वास्तविक ठोस है अक्रिस्टलीय? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन ये पहला गलत हो जाता है। बी है ट्रू लिक्विड, ये भी नहीं है, ट्रू लिक्विड भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये सुपर कॉलिड लिक्विड होते हैं दोस्तों। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, ये वास्तविक में जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये वास्तविक में द्रव होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, द्रव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर देखिए यहाँ पर प्योर, हम इसको ट्रू लिक्विड्स नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सुपर कॉलिड लिक्विड मिले होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन तो दिया नहीं गया है ऐसा कुछ, तो यहाँ पर हम इसे लिक्विड ही बोल सकते हैं। ट्रू सॉलिड तो बिल्कुल नहीं है, प्योर गैस बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ट्रू लिक्विड के लिए कुछ लोग ने टिक किया होगा, लेकिन जो इसका सही जवाब होगा वो लिक्विड्स ही होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो वो सभी लोग गूगल करके एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने अगले प्रश्न पत्र में कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट किया, पर एक बार आप लोग को ज़रूरी है कि एक बार आप लोग गूगल करके क्वेश्चन को ज़रूर चेक करें फिर कमेंट करें, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6 यहाँ पर है कि एन अमॉर्फस सॉलिड, इनमें से अक्रिस्टलीय ठोस पूछा गया। भाई अक्रिस्टलीय ठोस कौन से हैं? तो मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल बताया था अक्रिस्टलीय ठोस का, क्या बताया था? कांच, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या होते हैं? ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या लगा दिया था? KCl। भाई KCl जो है ये क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रबर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस यहाँ पर पूछा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस बताइए, रबर दिया गया है, NaCl, प्लास्टिक और ग्लास दिया गया है, तो यहाँ पर जो क्रिस्टलीय पदार्थ हो जाएगा वो हो जाएगा NaCl, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ पूछा गया है, ध्यान दीजिए कि ब्रैक्स इक्वेशन फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन इज, क्रिस्टल संरचना के लिए ब्रैक का समीकरण, तो ब्रैक का समीकरण क्या होता है भाई? 2d लैम्डा इक्वल टू एन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? 2d साइन थीटा होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि क्रिस्टल संरचना के लिए जो ब्रैक का समीकरण है इनमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, अभी सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस टाइप के लगभग मैंने 10 प्रश्न आप लोग को सॉल्व करा दिए हैं। अभी DDU यूनिवर्सिटी का जब प्रश्न पत्र मैंने सॉल्व कराया था तब भी मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को बताया था, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का सॉल्व कराया तब भी मैंने आप लोग को इसका एक एग्जांपल सॉल्व करके बता दिया था। तो चलिए सभी लोग बताइए, मुझे लगता है सभी लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर प्रश्न है कि द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ द Na+ एंड इन Na+Cl इज, एक NaCl के क्रिस्टल में Na आयन की उपसह संयोजक संख्या पूछी गई, कोऑर्डिनेट नंबर यहाँ पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा NaCl में Na का जो कोऑर्डिनेट नंबर होगा वो 6 होगा और Cl का भी 6 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ Cl माइनस इन NaCl, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों बात याद रखिएगा, Na+ और NaCl में क्रिस्टल कोऑर्डिनेट जो नंबर है वो 6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, पेन रिसीवर इस, निम्न में से पीड़ा हारी कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है फिनोल, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक सैल्सिलिक अम्ल या एथिल एल्कोहल, तो यहाँ पर फिनोल तो बिल्कुल नहीं होगा, सोडियम, अब बाकी बचा ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है सोडियम बेंजोएट, क्या ये है? सभी लोग बताइए, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक सैल्सिलिक एसिड जो है इनमें से एक प्रकार का पेन किलर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरासीटामॉल इज यूज इन, पैरासीटामॉल का प्रयोग कहाँ किया जाता है?
तो पैरासीटामॉल का प्रयोग ज्वार के लिए यानी कि बुखार की दवा होती है पैरासीटामॉल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि 1884 में एनेस्थीसिया के रूप में खोजा गया था ईथर को, क्लोरोफार्म को, या क्यूनिन को, या कोकीन को। तो 1884 में जो खोजा गया था वो कोकीन खोजा गया था, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 14 प्रश्न क्या पूछा गया था, एस्पिरिन इज आल्सो नोन एज। तो एस्पिरिन जो है दोस्तों, एस्पिरिन को जाना जाता है, तो एस्पिरिन को यहाँ पर एस्टिल सैल्सिलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्यूरीन बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए में उपस्थित प्यूरीन क्षार है। दोस्तों देखिए, जो क्षार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। पहला है प्यूरीन, ठीक है, और दूसरा है पाइरिमिडीन। दोनों की संख्या कितनी होती है, चार चार होती है। अब यहाँ पर आरएनए में उपस्थित प्यूरीन पूछा गया है, तो आरएनए में जो उपस्थित प्यूरीन क्षार है वो गुआनिन होगा। यहाँ पर जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेसिल नहीं होगा। दोस्तों अगर यूरेसिल की बात यहाँ पर है, आपने यूरेसिल टिक किया है, तो ध्यान रखिए जो यहाँ पर पिरिमिडीन दी गई है, पिरिमिडीन, जब आपसे यहाँ पर प्यूरीन या पिरिमिडीन पूछा जाता तब यूरेसिल होता, ठीक है, क्योंकि पिरिमिडीन जो होती है वो थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये क्या है, ये पिरिमिडीन बेस है, और प्यूरीन बेस इसमें कौन सा है, गुआनिन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, गुआनिन एंड एडेनिन सही होता, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया गुआनिन। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज स्टेबलाइज बाय, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, या पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, या सल्फर बंध पाए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि डीएनए की संरचना को डबल हेलिक्स संरचना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो सीढ़ी नुमा होती है। किस प्रकार से होती है, वो सीढ़ी नुमा होती है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, ये सीढ़ी नुमा दिखाई देती है, इसीलिए इसको डबल हेलिक्स, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसकी संरचना को डबल हेलिक्स कहा जाता है। और इसका जो संरचना किसने दिया था, इसकी संरचना का जो प्रस्ताव दिया था वो जेम्स वाटसन क्रिक ने दिया था। कब दिया था, 1953 में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा बंध मौजूद होता, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए की डबल हेलिकल संरचना में जो पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है कि व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो आरएनए में यहाँ पर पूछा गया कि क्या नहीं उपस्थित होता है, क्वेश्चन नंबर 17। तो आरएनए जो होता है वो थायमिन बेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, थायमिन बेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और ये बी क्यों सही होगा, देखिए जो प्यूरीन है, ठीक है, प्यूरीन में एडानिन, गुआनिन और आपका हाइपोथोनिन और जैथिन आते हैं। अगर वहीं बात करें पिरिमिडीन की, तो यूरेसिल हो गया, थायमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ये आते हैं और यूरेसिल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से बताइए कि कौन सा आरएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो आरएनए में जो उपस्थित नहीं होता है दोस्तों, वो थायमिन नहीं होता है, थायमिन की जगह पर यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, यूरेसिल उपस्थित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थायमिन, ठीक है। चलिए ये उपस्थित नहीं होता है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि द बेस फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर, न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित क्षार कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो ईच न्यूक्लिक एसिड कंटेन 4 or 5 पॉसिबल नाइट्रोजन कंटेन बेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि भाई बताइए न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित क्षार नहीं है, तो अब मैंने आप लोग को बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कंटेन करता है लगभग 4 or 5 पॉसिबल नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, यानी
कंटेन करता है। तो यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन एडानिन, बी है साइटोसिन, सी दिया गया है ऑप्शन आपका सी दिया गया है यूरेसिल, और डी दिया गया ऑल ऑफ दिस। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि इनमें से न्यूक्लिक अम्ल में जो उपस्थित क्षार होते हैं वो कौन से होते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए जल्दी से सभी लोग का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर ऑल ऑफ एबव। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में जो उपस्थित क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, एडानिन, गुआनिन, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है इन न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड में होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है दोस्तों, क्या होता है भाई, यहाँ पर शुगर और ए बेस होता है, क्या होता है, ए शुगर ए बेस। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 है कि न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक हैं इमीनो एसिड के या न्यूक्लियोटाइड के या पेप्टाइड के या ग्लूकोज मॉलिक्यूल के। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। वह न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, किसके जो ये किसके बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, एक शुगर होता है, ए शुगर प्लस बेस प्लस फास्फेट। ओके ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके समक्ष दिया गया है, क्या पूछा गया था, अल्फा हेलिक्स इज प्रेजेंट इन, अल्फा हेलिक्स पाया जाता है आरएनए में पाया जाता है या डीएनए में पाया जाता है दोस्तों, या फिर ये लिपिड में पाया जाता है या कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। तो अल्फा हेलिक्स जो है दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अल्फा जो अल्फा हेलिक्स है उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का क्या कहा जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ आरएनए, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, तो दोस्तों जो आरएनए होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है, कितने फॉर्म है, लगभग तीन फॉर्म जो इसके होते हैं, पहला क्या होता है एमआरएनए, tRNA और rRNA। ठीक है, तो जो tRNA है इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसफर RNA कहा जाता है। तो इसमें से पूछा गया था नहीं है, तो ये तीनों हैं, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है कि द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज गिवन बाई, DNA की डबल हेलिकल संरचना किसके द्वारा दी गई थी, तो ये वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए पूछा गया, डीएनए क्या होता है, तो आप लोग याद रखिए भाई, डीएनए जो होता है वो डाई ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है द नेचर ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है एसिडिक, बी ऑप्शन है बेसिक, सी है नेचुरल और ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों जल्दी से सभी लोग बताइए कि मोनोसैकेराइड की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्यान रखिएगा, मोनोसैकेराइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय माध्यम में हो सकती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी दिया होता अगर टेस्ट में तो हो सकता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो अम्लीय होगा, ऑप्शन नंबर ए एसिडिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, मोनोसैकेराइड का स्वाद कैसा होता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड का स्वाद, तो मोनोसैकेराइड का जो स्वाद होता है दोस्तों वो मीठा होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि ग्लूकोज में OH, कितने OH समूह उपस्थित होते हैं। तो ग्लूकोज में आप याद रखिएगा, ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि ग्लूकोज रिड्यूस विद टालन रेजेंट टू फॉर्म, ग्लूकोज टालन रेजेंट के साथ अभिक्रिया से अपचयित होकर क्या देता है।
क्या वो सिल्वर डर्पण देता है या लाल अवक्षेप देता है या सफ़ेद या कोई नहीं। तो जो ग्लूकोज होता है वो टालन अभिक्रिया से जब अपचयित हो जाता है तो ये हमें सिल्वर दर्पण देता है। और किसके कारण देता है? प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप के कारण देता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप के कारण ग्लूकोज जब टालन अभिकर्मक से अपचयित हो जाता है तो ये सिल्वर दर्पण देता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया गोलाकार प्रोटीन, क्या पूछा गया यहाँ पर? जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा, मैंने सी बताया है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा सिल्वर दर्पण मिरर। चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि गोलाकार प्रोटीन, इनमें से गोलाकार प्रोटीन कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया, कैरेटीन। तो कैरेटीन दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये बाल और नाखून में पाई जाती है, ये फेब्रीज प्रोटीन होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया बी इंसुलिन। तो इंसुलिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। गोलाकार प्रोटीन जो होगी यानी ग्लोबुलर प्रोटीन के अंतर्गत इंसुलिन आते हैं, हीमोग्लोबिन, मायोसिन, मायोग्लोबिन और इंसुलिन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, प्रोटीन का उपयोग किया जाता है एज ए फूड, एज ए एंजाइम इन टेक्सटाइल। तो जो प्रोटीन का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो तीनों रूपों में किया जाता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि गेहूं में कौन सा एमिनो अम्ल उपस्थित होता है? पहला दिया गया है एलानिन, बी दिया गया है ग्लाइसिन, ऑप्शन सी है लाइसिन और डी दिया है सीरिन। दोस्तों गेहूं में एमिनो अम्ल की अगर बात हो तो एमिनो अम्ल में लाइसिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और केवल अम्ल पूछा जाता तो ये ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटेनिक अम्ल। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि रक्त में ऑक्सीजन संचारित करने वाली प्रोटीन इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए दिया गया हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, कोलेजन और एल्बुमिन। तो रक्त में जो ऑक्सीजन संचारित करने वाले प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन है, इसे गोलाकार प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 35 है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज ड्यू टू pH एट विच, समविभव बिंदु वह pH है जिस पर एमिनो अम्ल अम्लीय हो जाता है या एमिनो अम्ल क्षारीय हो जाता है या उभयनिष्ठ धनायन आयन तथा धनावेशित हो जाता है या उभयनिष्ठ आयन पर कोई आवेश नहीं आता है। तो 35 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उभयनिष्ठ आयन पर कोई आवेश नहीं होता है, आपका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेप्टाइड लिंकेज, इनमें से कौन सा एक पेप्टाइड लिंकेज है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, CO और NH जो है ये क्या है? पेप्टाइड लिंकेज हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था, द नंबर ऑफ एमिनो एसिड विच फॉर्म्स प्रोटीन इन द नेचर आर, यानी कि प्रोटीन प्राकृति में प्रोटीन बनाने वाले एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो एमिनो अम्ल की जो संख्या होती है दोस्तों वो प्राकृति में वो 20 होती है, 20 एमिनो अम्ल प्राकृति में जो प्रोटीन बनाने वाले एमिनो अम्ल हैं वो लगभग कितने हैं? 20 हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पर एमिनो अम्ल मिलकर बने होते हैं, तो एमिनो अम्ल किससे मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न है कि एमिनो एसिड आर प्रोड्यूस बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, एमिनो अम्ल किसके जल अपघटन से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट या फैट्स या प्रोटीन। तो दोस्तों जो जो एमिनो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन के जल अपघटन द्वारा प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एमिनो अम्ल में निम्न में से कौन सा समूह होता है? तो एमिनो अम्ल में पहला दिया गया NH2 ग्रुप होता है, या ऑप्शन सी दिया गया NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप होता है, या COOH ग्रुप होता है, या एनी अदर ग्रुप होता है। तो जल्दी से सभी लोग बता दीजिए, एमिनो अम्ल यहाँ पर
एमिनो अम्ल में पूछा गया है कि कौन सा समूह होता है, तो एमिनो अम्ल में दोस्तों NH2 एंड CH ग्रुप CH समूह उपस्थित होता है। यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से पूछी गई शर्करा कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया माल्टोज, माल्टोज भी एक शर्करा है। ऑप्शन बी दिया गया स्टार्च, सी है फ्रक्टोज और डी दिया गया ग्लूकोज, तो इनमें से जो शर्करा नहीं है वो स्टार्च हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, ग्लूकोज इज ए, ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, तो ग्लूकोज क्या होता है दोस्तों, मोनोसैकेराइड होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर प्रश्न है कि विच वन इज नोन एज द माल्ट शुगर, इनमें से माल्ट शुगर के नाम से किसको जाना जाता है, तो ऑप्शन ये दिया गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सी दिया गया माल्टोज या डी दिया गया सेलुलोज, तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो माल्टोज हो जाएगा। माल्टोज को क्या कहा जाता है, माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज प्रेजेंट इन मिल्क, दूध में उपस्थित इनमें से कौन सा होता है, लैक्टोज उपस्थित होता है, स्टार्च होता है या सेलुलोज होता है या सुक्रोज होता है, तो दूध में जो उपस्थित होता है वो लैक्टोज होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज डाइसैकेराइड, इनमें से डाइसैकेराइड पूछा गया, इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड है, ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज, बी है लैक्टोज, सी है फ्रक्टोज और डी ऑप्शन दिया गया स्टार्च, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। लैक्टोज क्या है, ये डाइसैकेराइड होता है, और बाकी ग्लूकोज अगर बात करें तो ग्लूकोज क्या है दोस्तों, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये क्या है, डाइसैकेराइड, माफ करिएगा मोनोसैकेराइड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि रेफिनोज का इनमें से फार्मूला आपको बताना है, रेफिनोज का फार्मूला क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 46, तो रेफिनोज का जो फार्मूला है दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा C18H32O11, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेलुलोज, अगला प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न है कि द कलर ऑफ सेलुलोज इज, यहाँ पर सेलुलोज का कलर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन दिया गया है हरा, बी है गुलाबी और सफ़ेद या रंगहीन, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों जो सेलुलोज होता है वो कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस अमॉर्फस सब्सटेंस होता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मूला ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का फार्मूला पूछ लिया गया है, तो सेलुलोज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जल्दी से सभी लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 48, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C6H10O5N, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है कि विच डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन फेलिंग विलयन से अपचयित नहीं होता है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या ग्लूकोज, तो फेलिंग विलयन और टालन रेजेंट के साथ जो अभिकर्मक अभिक्रिया नहीं करता है वो सुक्रोज नहीं करता है, और सुक्रोज को ही टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, इसीलिए 49 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, देखिए द रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछा गया है, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है कार्बोहाइड्रेट में वो होता है 1:2। अगर यहीं पर पूछा जाता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हो जाता कितना हो जाता दोस्तों, 2:1 हो जाता, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि टेफ्लान निम्न में से बहुलकीकरण से प्राप्त होता है, टेफ्लान निम्न में से किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है, ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है दोस्तों ब्यूटाडाइन, ऑप्शन बी है वाइनिल क्लोराइड, ऑप्शन सी दिया गया है वाइनिल साइनाइड और डी दिया गया है टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, तो टेफ्लान किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है, तो टेफ्लान जो होता है वो टेट्राफ्लोरो इथाइलिन के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 पूछा क्या गया है कि नेप्थलान एस किसका उदाहरण है,
क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि नेप्थलान एस किसका उदाहरण है, ये एक प्रकार का एजोडाइन है या नाइट्रोडाइन है या ट्राई एरिल मिथेन डाई है या इंडिगो डाई है। तो सभी लोग भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर प्रश्न दिया गया है, जो प्रश्न मैंने आप लोग को नहीं बताया मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, आप लोग फिलहाल इसका आंसर करिए, आपके कमेंट के आधार पर इसका आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि एल्डोज रिलेटेड टू एल्डोज संबंधित हैं मोनोसैकेराइड से या फिर डाइसैकेराइड से या ट्राइसैकेराइड या आल। तो चलिए भाई इसका आंसर बता दीजिए, तो एल्डोज जो संबंधित हैं वो मोनोसैकेराइड से संबंधित हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा 53 नंबर का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर प्रश्न है कि स्टार्च का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। स्टार्च का मुख्य स्रोत ऑप्शन ए दिया गया ओनियन, बी दिया गया है रेडिश, राइस या नानब। तो स्टार्च का जो मुख्य स्रोत है हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा चावल। चावल जो हो जाएगा वो स्टार्च का मुख्य स्रोत हो जाएगा। 54 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, 55 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ग्लूकोज का गलनांक कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज डिफर ड्यू टू, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर किस प्रकार से आप स्पष्ट करेंगे। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो अंतर स्पष्ट करेंगे वो हम दोनों ग्रुप और सब ग्रुप की उपस्थिति के कारण जो इनमें अंतर स्थापित कर पाएंगे। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है आपसे कि नायलॉन 6 का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है सिंथेटिक फिल्म्स या सिंथेटिक फाइबर्स में या क्लॉथ में या नन ऑफ एबव। तो नायलॉन 6 का जो प्रयोग यूज किया जाता है दोस्तों वो किस में किया जाता है, वो कपड़ा बनाने में किया जाता है, कपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर मेड ऑफ पॉलीएमाइड्स, निम्न में से कौन सा फाइबर पॉलीएमाइड का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया डेक्रान, आरलान, नायलॉन या रेयान। क्वेश्चन नंबर 58, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नायलॉन जो होता है दोस्तों वो पॉलीएमाइड का बना होता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, इंडिगो इज रिलेटेड टू, इंडिगो संबंधित है मॉर्डेड डाई से या डायरेक्ट या इंजरीन डाई या बेट डाई, ठीक है। तो इंडिगो यहाँ पर पूछा गया कि किससे संबंधित है, तो इंडिगो जो संबंधित है वो बेट डाई से संबंधित है। आपका जो 59 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप सभी लोगों ने जब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर मैंने सॉल्व कराया था तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे कन्फ्यूज़ कर दिए थे, उसमें मैंने आंसर एग्जैक्ट नहीं बताया। हालांकि इसलिए हो पाया क्योंकि 2 ऑप्शन उसमें करेक्ट हो रहे थे और इसलिए एग्जैक्ट आंसर दे पाना संभव नहीं हुआ। अब उसमें कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ही कमेंट किया कि सर आपको तो कुछ पता ही नहीं है, पढ़ के फिर आप आइए पढ़ाइए ऑप्शन को। देखिए बहुत सारी बातें, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। दिक्कतें सबको होती हैं, मैं भी इंसान हूँ, हमसे भी कुछ ना कुछ तो गलतियाँ होती ही होती हैं। लेकिन मैं यही प्रयास करता हूँ कि कोई भी त्रुटि क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराते वक्त ना हो या पढ़ाते वक्त ना हो, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ज़ोरदार तरीके से सभी लोग शेयर कर दीजिएगा भाई, और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर का सलूशन बीएससी जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, सेकंड ईयर में जाएंगे, तो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो आप सभी लोग से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दिया गया है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं और मैं प्रयास करूँगा आपके आंसर का, आपके क्वेश्चन का जवाब देने का। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था कि इंडिगो इज रिलेटेड टू, तो इंडिगो जो है वो बेट डाई से संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि फिनोप्थिलीन बनता है थैलिक एनहाइड्राइड तथा
फिनेक्टिलीन बनता है, पहला तो हो गया आपका थैलिक एनहाइड्राइड और दूसरा किससे बनता है, तो दूसरा फिनोल से बनता है। किससे बनता है? फिनोल। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, और किसी उपस्थिति में बनता है H2SO4, यानी ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, द बीक एसिड सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉलेट इज, क्रिस्टल वायलेट का दुर्बल अम्लीय विलयन होता है, पीला होता है या वायलेट होता है या हरा होता है या लाल होता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 61 का आंसर देना है दोस्तों। चलिए सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि जो क्रिस्टल वायलेट का दुर्बल अम्लीय विलयन कैसा होता है, क्या ये वायलेट होता है या येलो होता है। आप मैं इस क्वेश्चन में अभी कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ आप लोग को। मैं प्रयास करूँगा कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आप लोग को दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर प्रश्न दिया गया है कि फिनेक्टिलीन किस प्रकार का रंजक है, फिनेक्टिलीन किस प्रकार का रंजक है, तो ये थैलीन रंजक है। किस प्रकार का रंजक है दोस्तों? थैलीन रंजक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, कांगो रेड का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, इथैलिन रंजक बी दिया गया है, इंडिगोइक रंजक, और ऑप्शन सी दिया गया है, इंथ्राक्विनोन रंजक, और डी दिया गया एजो रंजक। तो 63 नंबर क्वेश्चन का जो कांगो रेड हो जाएगा वो एजो रंजक का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर पूछा गया है कि एलिजरीन डाई इज ए एग्जाम्पल ऑफ, तो एलिजरीन रंजक किसका उदाहरण है? क्या ये बेट डाई का या फिर ये अंतर्जनिक रंजक का, यानी अंतर्जनिक रंजक या रंग बंधक रंजक या कोई नहीं। तो दोस्तों एलिजरीन जो है वो मॉर्डेट डाई का, किसका? मॉर्डेट डेंट डाई का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंग बंधक रंजक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 ध्यान दीजिए, विच कलर इज गिवन बाय द मेथिल ऑरेंज इन द एसिडिक मीडियम, मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो मेथिल ऑरेंज होता है वो अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है। क्या देता है? लाल रंग देता है। और अम्लीय माध्यम में अगर बात करें कि बेस माध्यम में, बेसिक में, तो ये बेस माध्यम में क्या देता है? येलो कलर देता है। ठीक है, एसिडिक माध्यम में ये देता है लाल अवक्षेप, और बेस माध्यम में, बेसिक माध्यम में क्या देता है? ये पीला अवक्षेप देता है, येलो देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक मीडियम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए येलो नहीं होगा, पीला हो जाएगा ये बेस के माध्यम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, मेथिल ऑरेंज का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है कि मेथिल ऑरेंज का इनमें से कौन सा उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 66, तो मेथिल ऑरेंज का जो उदाहरण हो जाएगा दोस्तों वो एजोडाई हो जाएगा। एजोडाई जो है एक प्रकार का मेथिल ऑरेंज का उदाहरण है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 67 ध्यान दीजिए कि फिनेक्टिलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? फिनेक्टिलीन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में दोस्तों कौन सा रंग देता, क्षारीय माध्यम में पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर क्षारीय माध्यम में पूछा गया कि फिनेक्टिलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है, क्वेश्चन नंबर 67। तो दोस्तों अम्लीय माध्यम में अगर देखा जाए तो अम्लीय माध्यम में तो ये रंगहीन होता है, लेकिन अगर क्षारीय माध्यम की बात किया जाए तो क्षारीय माध्यम में ये देता है गुलाबी रंग देता है। क्या देता है? पिंक कलर देता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक एक्सोक्रोम, निम्न में से कौन सा अम्लीय एक्सोक्रोम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। एक्सोक्रोम जो होते हैं दोस्तों वो दो माध्यम में होते हैं, एसिडिक और बेस। एसिडिक होते हैं और बेस, तो एसिडिक और बेसिक में अब एसिडिक में कौन कौन से आते हैं? तो ये हो जाएगा COOH, SO3H, ये सब क्या हैं? ये एसिडिक माध्यम में हैं। अगर हम यहाँ पर बेस के माध्यम में बात करें, बेसिक में, तो हो जाएगा आपका NH2, NHR, NR, ये सब क्या हैं भाई? ये सब बेसिक माध्यम में
एक्सोक्रोम है। तो एक्सोक्रोम यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया NH2। तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि यहाँ पर HD पूछा गया है, दूसरा NHR, सी दिया गया है NR2 और डी दिया गया है SO3H। तो जो एक्सोक्रोम है निम्नलिखित में से अम्लीय, तो अम्लीय हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। और ये बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं ये बेसिक हैं, ठीक है, ये बेस है, यानी क्षारीय माध्यम में। अगर क्षारीय माध्यम में पूछा जाता तो ये तीन हो जाएंगे, और यहाँ पर अम्लीय माध्यम में आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अगर 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से एक्सोक्रोम पूछा गया, भाई यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक्सोक्रोम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया NO2, ऑप्शन नंबर 69 नंबर प्रश्न दिया गया है NO2, OH, N डबल बॉन्ड N और D दिया गया है NO2। तो एक्सोक्रोम जो इसमें से हो जाएगा वो OH हो जाएगा। OH क्या है, इसमें से एक्सोक्रोम है, ऑप्शन बी से हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूछा गया, निम्न में से क्रोमोफोर कौन सा है, क्रोमोफोर इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है NO2, बी दिया गया है SO3H, सी है OH और डी दिया गया है C=OH। तो भाई ये जो है ये तीनों दिए गए हैं ये एक्सोक्रोम होते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा NO2। बाकी ये तीनों जो दिए गए हैं ये क्या हैं, एक्सोक्रोम दिए गए हैं, ठीक है। तो 70 नंबर का अगर सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर C=OH नहीं होगा, ठीक है। C=OH जो है वो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक माध्यम में एक्सोक्रोम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 71 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दिया गया था कि H2NCONH2 प्लस HCHO नॉर्मल और टर्म फॉर्म में दिया गया था, इसका जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा। तो इसका जो उत्पाद बनेगा दोस्तों 71 नंबर प्रश्न का ध्यान रखिएगा, 71 नंबर प्रश्न में जो इसका उत्पाद बन जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2N जब आप बैलेंस करेंगे इसका आप बैलेंस ही कर लीजिएगा, ठीक है। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन बैलेंस करके नहीं बताने वाला हूँ, फिलहाल आप बैलेंस कर दीजिएगा, ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यही है आपका सही है इसमें, 71 नंबर का ए सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न आपके भी एग्जाम में आएंगे, इसीलिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसको ढंग से, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन ब्यूनाइस रबर द रेशियो ऑफ द ब्यूटाडाइन एंड द स्टाइट्रिन इज अबाउट, ब्यूना एस रबर में ब्यूटाडाइन तथा साइट्रिन का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों ब्यूटा अगर बात करें, ब्यूटा एस में जो रबर का ब्यूटाडाइन का जो अनुपात होता है वो ब्यूटाडाइन इसमें उपस्थित होता है 75% और स्टाइरिन का बात करें अगर तो 25% होता है। तो दोनों का अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3:1, कितना आ जाएगा 3:1, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तिहत्तर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर द मेड ऑफ द पॉलीएमाइड, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर पॉलीएमाइड का बना होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है डेक्रान, ऑप्शन बी है ऑरलान, सी दिया गया है नाइलॉन और डी दिया गया है रेयन। तो आपको बताना है भाई कि इनमें से कौन सा जो है वो फाइबर, कौन सा फाइबर पॉलीएमाइड का बना होता है। तो डेक्रान यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेक्रान। डेक्रान कंडेंसेशन पॉलीमर होता है और ये पॉलीमर एथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेफ्लिन से मिलकर बना होता है दोस्तों, ठीक है, और इसे ही टेरिलिन कहा जाता है। डेक्रान को क्या कहा जाता है, टेरिलिन कहा जाता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, इनमें से पूछा गया कि योगात्मक बहुलक का उदाहरण कौन सा नहीं है। योगात्मक बहुलक यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 74। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पॉलीस्टीरीन, बी है पॉली इथाइलिन, सी है टेरिलिन और डी दिया गया कोई नहीं। तो टेरिलिन और डेक्रान
जो है ये एडिशन पॉलीमर नहीं है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेरिलीन। टेरिलीन को डेक्रान कहते हैं, और ये जो होता है ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, यही एडिशन पॉलीमर का उदाहरण नहीं है। बाकी अगर पॉलीएस्टिलीन की बात करें तो ये भी एक योगात्मक बहुलक होते हैं, पॉलीएथिलीन भी होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया दोस्तों कि संघनन या पद वृद्धि बहुलक इनमें से कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि डेक्रान, तो डेक्रान बिल्कुल होता है, नायलॉन 6 भी होता है, बैकेलाइट भी यहाँ पर होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेक्रान पूछा गया है। डेक्रान क्या होता है, पॉलीएस्टर होता है या पॉलीएमाइड होता है या पॉलीयूथेरिन होता है या आल होता है। चलिए 76 नंबर प्रश्न, तो 76 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आल हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर पूछा गया था कि द एग्जांपल आप पॉलिएस्टर, आज पॉलिएस्टर का प्रमुख उदाहरण, ऑप्शन यहाँ पर आपका है कि टेरिलिन, बैकेलाइट, नायलॉन 6 या नन ऑफ दिस। तो इसमें से आपको बताना है पॉलिएस्टर। अब पॉलिएस्टर के सफिक्स में मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि पॉलिएस्टर में जब भी आपको क्वेश्चन पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टरीन और यूरेसिल से पूछ लिया जाए, जैसे कि यूरेसिल पूछ लिया जाता था किसमें, डीएनए और आरएनए के माध्यम में, ऐसे ही डेक्रान की अगर बात करें तो डेक्रान में अभी मैंने आप लोग को बताया कि डेक्रान जो होता है वो पॉलीएस्टर होता है, पॉलीएमाइड होता है, पॉलीयूरेथेन होता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहीं पर यही पूछ लिया गया पॉलीएस्टर का प्रमुख उदाहरण, तो प्रमुख उदाहरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेरिलीन। क्या हो जाएगा, टेरिलीन, जिसे डेक्रान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 77 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 की बात किया जाए, अगर क्वेश्चन नंबर 78 है कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड इज यूज इन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसे पीवीसी के नाम से जानते हैं, उसका क्लॉथ और रबर ट्यूब दोनों बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर के चिप में, कंप्यूटर चिप्स या ट्रांजिस्टर एंड द सोलर पैनल, सी है वाटरप्रूफ क्लॉथ एंड पेपर, ऑल ऑफ एबव। तो सिलिकॉन का उपयोग हम इन सभी रूपों में करते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड की प्रकृति पूछी गई है कि फास्फो और जो नाइट्रिक क्लोराइड होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्या वो क्षारीय होता है या वो अम्लीय होता है या उदासीन होता है या कोई नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आप सभी को आंसर बताना है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन नाइट्रोजन, इनमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो नाइट्रोजन को कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 81, तो यहाँ पर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन जो होता है वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन को कंटेन करता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीबीसी नहीं सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, स्टार्च इज द एग्जांपल ऑफ, स्टार्च एक उदाहरण है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया लीनियर चैन पॉलीमर का या ब्रांच चैन पॉलीमर का, या ऑप्शन सी है क्रॉस लिंकेड पॉलीमर, या डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर जो 82 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्टार्च जो है एक प्रकार का नेचुरल पॉलीमर है और यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ एबव हो जाएगा। स्टार्च चैन लीनियर चैन पॉलीमर को उदाहरण नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। 83 नंबर प्रश्न है, पॉलीएस्टरीन उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टर पॉलीमर का या फाइबर का या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का या नन ऑफ दीज। तो जो आपका यहाँ पर है पॉलीसेट्रिन, तो इसके किसका उदाहरण है भाई, अब इसमें आपको देखना है कि पहला जो ऑप्शन आपका दिया गया है थर्मोसेटिंग बहुलक, दूसरा है फाइबर, सी अगर बात करें तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक दिया गया है, और ऑप्शन सी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो पॉली जो स्ट्रीन है वो
बहुलक होता है किसका? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, इन ऑर्गेनिक फ्लोट इस, यहाँ पर अकार्बनिक द्रव पूछा गया है। अकार्बनिक द्रव इनमें से कौन से हैं? पहला दिया गया है फास्फोनाइट्रिल क्लोराइड, ऑप्शन सी है सिलिकॉन रेजिन, और सी दिया गया है सिलिकॉन तरल, और डी दिया गया है सिलिकॉन ग्रीस। तो आप ध्यान रखिएगा 84 नंबर प्रश्न में इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन रेजिन। यहाँ पर आपका बी सही होगा, सिलिकॉन रेजिन। फास्फोनाइट्रिल क्लोराइड जो है वो अकार्बनिक द्रव नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिलिकॉन रेजिन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है फॉस्फाम, फॉस्फाम इनमें से कौन सा है? तो फॉस्फाम दोस्तों है N3P3NH का होल थ्राइस। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर प्रश्न दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सील जेट इन द जेट एयरक्राफ्ट। निम्नलिखित में से जेट एयरक्राफ्ट की सील को जोड़ने का काम कौन करता है? पहला ऑप्शन दिया गया कि सिलिकॉन रेजिन, ऑप्शन बी है सिलिकॉन तरल, सिलिकॉन ग्रीस या सिलिकॉन रबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सिलिकॉन रबर होगा, यानी कि निम्न में से जो जेट एयरक्राफ्ट की सील को जोड़ने का काम करता है वो सिलिकॉन रबर करता है। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे अधिक होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, मैंने बहुत प्रयास किया और बुक भी मैंने देखा था, पढ़ा था उसमें, तो मुझे क्लियर इसका आंसर नहीं मिला है, लेकिन संभवतः जिसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 501 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ठीक है। हालांकि मैं इसमें काफ़ी कंफ्यूज हूँ क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर इन द पॉलीमर, निम्नलिखित निम्न में से निम्न बॉलक में हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध बताना है, डाइक्रॉन, नायलॉन 6-6 या पॉलीथीन या टेफ्लॉन, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें से कौन सा आकर करता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 88, तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नायलॉन 6-6। नायलॉन 6-6 जो है ये हाइड्रोजन को कंटेन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर है, सिलिकॉन बहुलक है, सिलिकॉन किसका बहुलक है? तो सिलिकॉन कार्बन और ऑक्सीजन का बहुलक है, ठीक है। यहाँ पर सिलिकॉन जो है किसका बहुलक, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, SiCO, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइबर पॉलीमर इज, रेसेदार बहुलक का उदाहरण है, रेसेदार बहुलक का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया ब्यूना एस, ब्यूना 5, बी है नायलॉन 6-6, सी है बैकेलाइट, और ऑप्शन डी दिया गया है पॉली इथाइलीन। क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर हो जाए दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रेसेदार जो बहुलक का उदाहरण है वो नायलॉन 6-6 है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों पूछा गया कि प्राकृतिक रबर का एकलक है, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इस, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्लोरोपिन, आइसोप्रोपिन, साइट्रिन और इथाइलिन। तो यहाँ पर प्राकृतिक रबर का जो एकलक हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा, वो आइसोप्रोपिन हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीथीन बहुलक पूछा गया है, 92 नंबर प्रश्न है कि पॉलीथीन पॉलीमर इस, होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ एबव, ऑप्शन सी दिया गया बैकेलाइट इज द कंडेंसेशन, माफ करिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर बताना था आपको 92 नंबर प्रश्न में कि पॉलीथीन बहुलक है, तो ये होमोपॉलीमर्स है कि या ये कोपॉलीमर्स है या बोथ ए बी दोनों, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो पॉलीथीन है वो सम बहुलक भी है और को बहुलक भी है, को पॉलीमर है और होमोपॉलीमर है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैकेलाइट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, संघनन बहुलकीकरण द्वारा बैकेलाइट प्राप्त करते हैं, तो
किस प्रक्रिया तक किसके द्वारा हमें प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम प्राप्त करते हैं C6H5OH यानी फिनॉल प्लस फॉर्मल डिहाइड के साथ। जब हम फिनॉल और फॉर्मल डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे तो इसके संघनन के बहुलकीकरण द्वारा बैकेलाइट हमें प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 कि निम्नलिखित में से संश्लेषित बहुलक यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 94, तो संश्लेषित बहुलक स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन या बैकेलाइट। तो संश्लेषित बहुलक पूछा जाए तो यहाँ पर स्टार्च सही हो, माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पर बैकेलाइट सही होगा। बैकेलाइट जो है एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, ये तो सब ये किसके अंतर्गत आते हैं भाई, कमेंट करके जल्दी से ये भी बता दीजिए कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, जो बहुलक होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, क्या होता है प्राकृतिक, और दूसरा होता है संश्लेषित। तो प्राकृतिक बहुलक के अंतर कौन कौन से आते हैं, स्टार्च, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो ये स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन है, ये क्या है भाई, ये प्राकृतिक बहुलक हैं। और संश्लेषित बहुलक इसमें से कौन सा है, बैकेलाइट है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 है, द मोनोमर यूनिट ऑफ PBC इज, PBC का एक बहुलक पूछा गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 95। तो PBC का जो बहुलक है वो वाइनल क्लोराइड होता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली, निम्न में से प्राकृतिक बहुलक इनमें से कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है नायलान, बी दिया गया है पॉलीएथिलीन, सी है स्टार्च, और डी दिया गया टेफ्लॉन। तो नायलान जो है ये सिंथेटिक संश्लेषित बहुलक है, पॉलीएथिलीन भी संश्लेषित है, और टेफ्लॉन यहाँ पर जो प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा वो स्टार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। एल्कोलाइड है, इनमें से एल्कोलाइड पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया निकोटीन, पिपरीडीन, कपूर या कोई नहीं। तो 98 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निकोटीन। निकोटीन जो होता है एक प्लांट, एक तंबाकू में पाया जाता है, एक प्लांट एल्कोलाइड्स होता है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि फॉर ए टाई क्लिनिक विच इस करेक्ट कंडीशन, टाई यानी कि टाई क्लिनिक के सापेक्ष में कौन सा कंडीशन सही होगा। ध्यान रखिएगा, इसके सापेक्ष में टाई क्लिनिक जब भी पूछा जाए तो ये क्या होता है भाई, जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इज डज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज डज नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिए हैं, इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से बताइए। तो 99 नंबर प्रश्न में इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा इज डज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पर पूछा गया है कि फॉर ए आर्थोहोम्बिक क्रिस्टल विच इज करेक्ट कंडीशन, इनमें से आर्थोहोम्बिक क्रिस्टल के लिए कौन सा करेक्ट कंडीशन होगा। तो आर्थोहोम्बिक के लिए ध्यान रखिएगा, इसमें जो करेक्ट कंडीशन हो जाएगा वो है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, गामा इक्वल टू 90 डिग्री, और ए इज डज नॉट इक्वल टू बी, बी इज डज नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी है, यहाँ पर डी नहीं सही होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आर्थोहोम्बिक के लिए ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ए इज डज नॉट इक्वल टू बी, बी। कुल मिला करके आज हमने कानपुर यूनिवर्सिटी का कंप्लीट सलूशन आप लोग को दे दिया है। 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में लगभग दो तीन प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर हमने नहीं दिया है। मैं प्रयास करूंगा कि उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में मिल जाए। अगर आप सभी को उसका आंसर पता है तो आप सभी लोग कमेंट करके उसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर लिंक दिया होगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको प्राप्त कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।